kind of mad, sad, shaking the back forth. These hacksaw slack jaws kicking in back doors. It's awful, stupid chicken pecking debacles with mouthfuls. Freaking chickens pissing me off, huh? I'm looking at these people who hate and discreet and evil, telling me that I'm never gonna be anything. A G-voice, and I don't even know what's going on anymore. Cause these people looking at me like I'm stupid, irregular. Halt, put in the words of the vault. Looking at drinking, they tell what I'm walking, I think I'm just getting them off. Spinning stop, picking my dreams, thinking I'm broken and missing the ball. Well, what do they mean? It's gone. Look at me, I will do it, will succeed. If I don't, I don't care. I'll pull down your underwear. Look at me, I will do it, will succeed. If I don't. What's up, your alpha is here. तो भाई सीन ये आ गया है सीजन 17. तो भाई खैर हम वो वाले शशके तो कर सकते थे कि टाइमर 3, 2, 1 हो और फिर हम खरीदें, लेकिन वो शशके हमें करने नहीं है ना यार. मैं सोच रहा सुबह कर लूँ, लेकिन उसके फिर मुझे वॉक छोड़नी पड़ती, लेकिन नहीं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भाई ये इन्होंने कोई नया सीन निकाला है 2000 का पैक बाय करने से, जो मतलब लोग 100 आरपी करते हैं उनके लिए है ये पैक, हमारे लिए तो फालतू है. तो सीन ये तो अभी हम करेंगे रॉयल पास, खरीदेंगे बाय करेंगे और करेंगे मिक्स आउट 1-100. चलो भाई सबसे पहले तो ये सीन को हटाओ और सबसे पहले देख लो ये. पहले तो यार फर्स्ट यूसी पे जो ये टट्टी सूट दिए ना, अल्लाह माफ करे कसम से, बहुत ही टट्टी सूट. लेकिन उसी के सीन थोड़ी बहुत बेटर है. तो उसके बाद फिर हम रॉयल पास में देखने को मिल जाता है, उजी की स्किन मिलती है. उजी की स्किन के बाद ये टोपा मिलता है जो अजीब सा ही है टोपा, पता नहीं क्या है इसके अंदर. और ये बैग पे लटकी हुई की चेन जो कि हमारे बस्ते पर लटकती है, वो भी बहुत ही मतलब यार क्या दे रहे हो पबजी वालों को. ये सीजन यकीन करो मेरी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बेकार सीजन है. और फिर थोड़ा आगे जाते तो ये एक इमोट है हमारा 20 RP पे, ये चेक करो, ये चेक करो भाई. ये क्या था, ये कमर का दर्द, इसमें कमर के लिए ना कुछ मोच वोच आ गए थे वो सही कर रहा था. और ये जो हेलमेट की स्किन है ये तो मेरे ख्याल से पुराने प्रीमियम क्रेड जैसी लग रही है मुझे. और फिर हम चेक करते हैं ये इमोट 25 RP वाला. ओए होए ये तो मुजरा वाला बना दिया भाई. फिर हम लोग देखते हैं ग्रेनेड की स्किन, ये भी थोड़ी बहुत मतलब ठीक अच्छी है. पैराशूट भी अच्छा है. पैराशूट के बाद देखते हैं हम लोग अपनी प्लेन की स्किन, ये भी अच्छी है काफ़ी, मतलब इतनी अच्छी नहीं है. सीजन 9 बेस्ट था यार अपना, सीजन 9 में हर चीज़ अच्छी आई थी, वैसी चीज़ें क्यों नहीं डालते थे भाई. फिर ये वेक्टर की स्किन है, स्टिकल की स्किन है. वेक्टर की भी थोड़ी बहुत अच्छी है, ब्लू और मतलब जो कॉन्ट्रास्ट दिया है वो अच्छा है. फिर ये अवतार फ्रेम है सीजन 17 का. और ये हाँ 60 यूसी पे ये लोग लाए मिथिक आउटफिट यार, यानी सोच सकते हो मिथिक आउटफिट्स ऑन 60 यूसी ब्रो, ओपी. खैर ये ब्लैक वाला तो बहुत ही टट्टी है जो मैंने अभी पहनाया है, दूसरा वाला अच्छा है. मैं तो वही वाला लूँगा जब होगा ना मेरा फुल टपटप. ये वाला अच्छा है क्योंकि देखो इसमें पीछे मतलब थोड़ा हिल भी रहा और ये अच्छा लग रहा है. ये वाला क्या कुछ है इसके अंदर सूट के अंदर, ये अच्छा है. उन्होंने 60 RP में कम से कम एक मिथिक तो दिया, वरना लेजेंडरी सूट पकड़ा दे तो उसकी कमी थोड़ी है आपके भाई के पास. खैर कमी तो बहुत है. तो अब देखते हैं हमें चलना भाई, चल 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 मेरा पोता. ये एक थोड़ा बहुत अच्छा अवतार फ्रेम मतलब अवतार है, ये अच्छा है थोड़ा बहुत. ये हमारा एक और रिमोट आई है, ये तो फुल कसरत वसरत चल रही है. ये रोबोट ओ एटम वाली रोबोट फिल्म बिल्कुल उसकी जरा ठप 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 टप टप.
तो इसके बाद और क्या आता है, और क्या आता है, आगे चलो बेटा, आगे चलो चलो बेटा चलो। और ये M16 की स्किन आ जो कि बिल्कुल ही बेकार। M16 तो भाई अपने सीजन 9 में जो आई थी ना, सारी स्किन है, गाड़ी बाइक जो भी आया था सीजन 9 में, वो सब बेस्ट था। सीजन 9 से अच्छा कोई है ही नहीं सीजन ना। खैर आगे चलते हैं, फिर आगे आ गया फाइनली 100 RP कह रहा हूँ। यकीन करो ये इमोट सिर्फ दिखाने का है, अगर ये साथ में देते ना तो अच्छा भी होता। 100 RP में ये जो इमोट दिखा रहे हैं, अगर यही होता ना यकीन करो रॉयल बार हर कोई सीजन मैक्स करता। लेकिन ये इमोट नहीं है भाई, टट्टी सूट दे दिया इन्होंने, पता नहीं कार्लो जैसे अजीब से सूट दे रहे, कार्लो भी ऐसे सूट पहनता है। खैर अब हम करेंगे, अब फिर एक फास भी करेंगे फास। लेकिन यार ये इमोट बहुत टाइट है, अगर ये दे देना सूट के साथ, ओए होए होए, तो हम करेंगे अब फास को अपग्रेड। और अपग्रेड फास करने के लिए हम लोग दब आएंगे, नहीं दबाना क्या? अच्छा सूट ही देखना, अभी थोड़ी गालियां दे रहूंगा मैं गेम में। खैर ये तो वॉइस ओवर चल रही। हाँ तो भाई अब हम करें, अब हम खरीदेंगे रॉयल फास, तो अब हम दबाएंगे अपग्रेड फास पे और हम खरीदेंगे 600 वाला, क्योंकि 1800 अभी नहीं खरीदना हमारे को, 600 खरीदना है। तो हमने अब ये पहले जो भी है टट्टी है वाउचर का मैं चेक कर रहा था, ये जो भी टट्टी है, तो अब हम लोग 600 UC वाला रॉयल पास खरीदेंगे। और ये फिर मैं वाउचर पे गया टट्टी, तो अब हम 600 UC वाला रॉयल पास खरीदेंगे। ये हमने रॉयल पास खरीद लिया, मुबारक है मुबारक है मुबारक है सबको मुबारक है। इलाइट रॉयल पास, इलीट रॉयल पास, ये हम करेंगे कलेक्ट कुलेक्ट जो भी है। अब ये रॉयल पास कुलेक्ट करने पे हमें ये पता नहीं कौन से सूट मिला, उजी की स्किन अच्छी है। और अब हम आपका भाई, अब आपका भाई क्या करेगा वो पता है। अब ये पहले इजी मिशन वगैरह देख लो, ये ले लो। अब आपका भाई हमेशा की तरह, आपका भाई अब हम लोग करते हैं, चलो 100 UC 100 RP मैक्स आउट करते हैं। तो इसी के साथ आपका भाई 1 to 100 RP मैक्स आउट करने वाला है, तो लेट्स गो बॉयज। तो 100 RP मैक्स आउट करते हैं और ये टप 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 ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 200 इन जस्ट वन क्लिक एंड इट्स बिगिन, लेट्स डू दिस बॉयज। ओके नो यूसी, ओह माय गॉड, डोंट वरी वी विल परचेज अ $100 UC पैक मैन। परचेज करेंगे ब्रो, परचेज करेंगे। ये सब नहीं तो क्या हो, परचेज नहीं कर सकते क्या? ये सी तुमसे ना हो पाएगा, गजब बेइज्जती है। ओह माय गॉड, परचेज फेल्ड, आई डोंट हैव मनी बॉयज। तो ये कैंसिल करते प्लान, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। खैर 100 RP नहीं हो रही, तो अब बारी है किस चीज की, अब बारी है रॉयल पास गिव अवे विनर्स की, अनाउंसमेंट की। जैसे कि जिन लोगों को पता है मैं 3 रॉयल पास सीजन 17 का गिव अवे कर रहा था, तो उसका विनर मैंने आज अनाउंस करना था। ये वीडियो हाँ थोड़ी लेट आ रही है असल में, लेकिन फिक्र नहीं। और हाँ आज से मैं लाइव स्ट्रीम भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नया सीजन है, तो इंशाल्लाह कॉन्करर पुश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नो लाइव स्ट्रीम्स फ्रॉम टुडे। लेकिन हाँ गेम प्ले इंशाल्लाह मैं लाता रहूँगा, हफ्ते में 3-4 गेम प्ले लाता रहूँगा, तो डोंट वरी। तो अब बारी है गिव अवे विनर्स अनाउंसमेंट की, लेकिन वो इधर तो हो नहीं सकता, उसको हम लोग अपनी मेन जगह पे करेंगे। तो मेन जगह आ जाओ भाई, तो भाई मेन जगह पे अब हम करते हैं इधर अनाउंसमेंट। तो जैसे कि तय पाए तो पॉइंट्स के हिसाब से, लीडर बोर्ड के हिसाब से टॉप 3 को मिलने वाला है रॉयल पास। या तो रॉयल पास अगर उनको चाहिए तो उनको रॉयल पास गिफ्ट करूँगा, UC चाहिए तो UC सेंड करूँगा, और अगर उनको मनी चाहिए तो मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। तो भाई सीन क्या है, तो जो फर्स्ट आया, तो फर्स्ट विनर का नाम है उमर हसनी। मुबारक हो उमर हसनी फॉर योर फर्स्ट रॉयल पास। तो आप जीत चुके हैं पहला रॉयल पास, आप फर्स्ट आए हैं। इन्होंने बहुत सारा वॉच टाइम दिया है, इनके पॉइंट्स भी बहुत थे, तो इन्होंने मेहनत की है तभी हुआ है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट्स में मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम पे बेहतर रहेगा, इंस्टाग्राम पे फुल फिर सही बात करके जो भी आपको चाहिएगा मैं वो सेंड करूँगा।
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, फिर मैं आप उस हिसाब से यूसी जो भी आपको चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो फर्स्ट विनर का तो पता चल गया, तो अब पता करते हैं सेकंड विनर की। तो सेकंड विनर है तलहा, जो कि है मेरा भाई, उसको हम दे देंगे जल्द से जल्द यूसी, मतलब जो भी है वो मांगेगा उसको दे देंगे, लेकिन अभी नहीं दूंगा उसको, थोड़े दिनों बाद दूंगा, लेकिन डोंट वरी। अब भाई थर्ड में वो ये गपला, और वो गफला क्या हो गया, थर्ड आए चार बंदे, चारों के पॉइंट्स हो गए हैं क्या नाम है ड्रॉ। अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो कैसे सकता है, चारों के पॉइंट्स हो गए हैं ड्रॉ। तो खैर अब चारों के पॉइंट्स ड्रॉ तो हो गए, तो अब मैंने ये, मैं चारों को रॉयल पास तो दे नहीं सकता, तो मैंने ये निकाला है तरीका कि हम अब 2 डेज का और टाइम देते हैं, 21st जेट तक के आपके पास टाइम है, पॉइंट्स के वही रूल है, मेरी वीडियोस देखो परमानेंट पॉइंट मिलेगा, लाइव स्ट्रीम देखोगे परमानेंट डबल पॉइंट्स मिलेंगे, बंदे को शेयर करोगे बंदा आके सब्सक्राइब करेगा उसके 515 पॉइंट्स हैं। तो ऐसे आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहो, और इंशाल्लाह फिर 21st को थर्ड विनर भी अनाउंस करेंगे। खैर आज की वीडियो इतनी छोटी सी थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, मुझे इजाज़त। सबसे पहले shout out to all my homies in debt, उसके बाद shout out to all the bitches that I regret, शुक्र गुजार उन सारों का जिन लोगों ने सुना मुझे, fam मेरी है, bet लगा के कर ले उनसे best, और पे सड़कों पे लड़कों में चले वर्कू जो, नशे के पीछे बने दोस्त कुत्ते पालतू ब्रो, रैप पे खुदा तेरे जबा हुए तबाह हुए, मेरा एक ही खुदा और तुम सारे अंदर से